एक मिनट ये खड़ा रहो ना। अपने खेत के काम से चारा लेने पशुओं का खेत में गई थी। उसके बाद काफ़ी देर बाद वो लौटी नहीं घर पे, तो परिजनों ने उसकी तलाश की। परिजनों ने तलाश जब खेत में की तो वो खेत के पास एक पत्थर के कोट के पास उसकी मृत अवस्था में लाश मिली, जिसकी इतला ग्रामीणों ने पुलिस थाने आसिन में दी। तत्पश्चात थानाधिकारी में जाप्ता और वहाँ पहुँचे, देखा तो एक युवती की पत्थर के कोट के पास मृत अवस्था में लाश थी। उसके बाद जिला मुख्यालय पे सूचना करके एमओबी की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, एफएसएल की टीम, सबको वहाँ बुलाया गया और बारीकी से घटनाक्रम की छानबीन रात भर की गई। ग्रामीणों ने शक के आधार पे गांव के ही एक युवक का पुलिस को नाम बताया, जिसमें रात भर पुलिस ने सघन अभियान सर्चिंग का जारी रखा और बताया अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने इस घटना के क्रम में राउंड अप कर लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। मृतका का देर रात अधिक होने से पोस्टमार्टम अभी नहीं हो पाया है। मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया है, जिसमें महिला चिकित्सक की मौजूदगी रहेगी और फिलहाल डॉक्टर अब पोस्टमार्टम की तैयारी में है। और मृतका के पिता रामलाल गुर्जर की रिपोर्ट पे पुलिस ने थाना आसिन पर धारा 302 और पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। परिजनों का जो गांव वाले हैं और कुछ परिजनों का कहना है कि इसके साथ में रेपी घटना की, ग्रामीणों ने इस तरह का आरोप लगाया है और हमने मेडिकल बोर्ड का महिला चिकित्सक की मौजूदगी में इसका गठन करके पोस्टमार्टम करवाएंगे और जैसे ही मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम इस बारे में आपको जिक्र करेंगे।